मक्खन डाला जा रहा है, मक्खन मक्खन मक्खन। यहाँ तैयार की जा रही है मटन कढ़ाई, और वो साथ वाले से वो भी मटन है। तो जनाब ये है मैंगलूर का अल्टीमेट कुजीन, और बड़ा ही ज़बरदस्त खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है। मेरा चूंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ के फूड का, लेकिन तारीफें बहुत सारी सुनी हुई है, क्योंकि यहाँ के जो स्पेशल फूड्स हैं ना कुछ, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे, उम्मीद करते बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, अपना भरपूर ख्याल रखें, सबको अपनी दुआ में याद रखें। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज इस वक्त हम मौजूद हैं मैंग्रोव रेस्टोरेंट में, और यहाँ हम क्यों आए, क्योंकि जनाब आज हम आपको दिखाने वाले हैं बड़ा ही स्पेशल प्लेटर। प्लेटर तो आपने हमारी वीडियोज़ में बहुत सारे देखे होंगे, और लातादाद देखे होंगे, कभी उड़ते हुए परिंदे, कभी चलता हुआ ऊँट, कभी भागता हुआ शुतुरमुर्ग, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं उड़ते हुए कबूतर। और कबूतर भी कितने, 300 कबूतर का प्लेटर तैयार हो रहा है आज मैंग्रोव में। तो इसकी बहुत सारी डिटेल देखने को मिलेगी आपको आज की इस वीडियो में। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो कमेंट्स कीजिएगा। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और रहिएगा हमारे साथ मैंग्रोव पे। तो जनाब मैंग्रोव पे हम आ गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा लोकेशन गाइड करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मेन हाईवे रोड पर, यानी अगर आप हैदराबाद जा रहे हैं तो आपको ये सुपर हाईवे से थोड़ा सा आगे जाके टूर प्लाजा से पहले पड़ेगा मैंग्रोव रेस्टोरेंट, जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पर पड़ेगा अगर आप कराची से जा रहे हैं हैदराबाद। तो रेस्टोरेंट में अंदर चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ कौन कौन लोग आए हैं, सबसे आपको भी मिलवाएंगे, रिव्यूज भी लेंगे, और देखते हैं कि प्लेटर कैसे तैयार हो रहा है। तो आइए हमारे साथ। तो जनाब ये सारा हमारा फिटिंग अरेंजमेंट है, जो तमाम यूट्यूबर्स यहाँ पे आए हुए हैं, वन बाई वन आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले बाबर भाई। तो जनाब बाबर डार सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर जी क्या कहेंगे, माशाल्लाह से इतने सारे प्लेटर, आपको काउंटिंग भी याद है? जी जी, बस ये डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आते हैं हमारे सऊदी भाई की तरफ से, और कुछ हम लोग खुद सोचते हैं, फिर बाकी आप लोग सब महफिल में आ जाते हैं तो एक अलग से रंग जम जाता है यहाँ पे। और कबूतर का बहुत सारे लोग बोलते हैं हराम है, और खाना नहीं चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन कबूतर बिल्कुल हलाल है भाई, सही है, और कबूतर कोई भी खा सकता है। और मैं आप लोगों से पुरजोर ये फोर्स करूंगा आप लोगों को कि कबूतर खाएं, खरगोश खाएं, इस तरह की चीज़ों पे आएं, ताकि ये जो चिकन माफिया है और ये जो बाकी इस तरह के जो माफिया हैं जो आप लोगों के ऊपर लेके बैठे हैं, जो बोलते हैं यार ये मासूम खरगोश खा के, भाई चिकन भी मासूम है, बाकी चीज़ें भी मासूम है, और डकैत तो नहीं है वो लोग भी। तो आप लोग ये चीज़ें पे आएँ ताकि आप लोगों का रुझान हटे। आप लोगों ने चिकन पे इतनी डिमांड बढ़ा दी है कि वो चिकन 1000 रुपये की हो गई यार। चिकन कोई 1000 रुपये की चीज़ है? वो बेचारी इतनी सी मुर्गी चूजा बेचारा, अभी उसका दिमाग छोटा सा होता महीने का, आप टीके ठोक ठोक के उसको उसमें जो खा रहे हैं पूरी कौम को मुर्गी बनाया पकड़ के यार। उससे बाहर आए, शेर बने, अच्छे फैसले लें अपनी कौम के लिए, बदलना पड़ेगा आप लोगों को, मुर्गी छोड़नी पड़ेगी, छोड़ दें मुर्गी, आ जाए नई चीज़ों पर आए। सऊदी अरब में, यमन में आम खाए जाते हैं कबूतर, हमने आज खाए, मज़ा आया, नया एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत सारी सेहत के हवाले से बहुत नई चीज़ें जो हैं इसके अंदर होती हैं, अल्लाह ने बड़ी सेहत के इसमें बड़ी चीज़ें रखी हुई हैं हमारे लिए, लेकिन हम लोग वही मुर्गी सुबह मुर्गी शाम में मुर्गी, बकरा इतना हमारी पहुँच से 2000 रुपये किलो बकरा हो चुका है, बड़े का जो गोश्त है वो भी महंगा है। तो भाई ऐसी चीज़ों पर आएँ ताकि उन पर से बर्डन कम हो और आप लोग नई चीज़ें जो है ना खा सकें। तो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि ये हराम है, इस तरह कोई हराम चीज़ नहीं, हलाल चीज़ ही खा रहे हैं, और आप लोग उसको प्रमोट करें ताकि और लोग भी अपने होटल में, रेस्टोरेंट में, घरों में इन चीज़ों को आम कर सकें और दूसरी चीज़ों से हटें और इस पे आएँ। माशाल्लाह कितने कबूतर थे आज? 300 कबूतर। 300 कबूतरों को प्लेटर दिया। जी जी, आपको कैसा लगा? मज़ा क्या लगा ना। अच्छा जी, आपके साथ एक ऑथेंटिक रिव्यू हम शेयर करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं, जैसे आप डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, और अब हमने यहाँ पे आज बात आ गई कबूतर के प्लेटर, तो क्या कहेंगे इस बारे में? कबूतर के प्लेटर के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि कबूतर वैसे मैं नॉर्मली खाता हूँ, और जितनी भी हलाल चीज़ें अल्लाह ताला की वो मैं ट्राई करता हूँ लाजमी। अच्छा, कबूतर का गोश्त ना इतना मज़े का नहीं होता वैसे, नॉर्मली इतना मज़े का नहीं होता, हार्ड होता है, ब्लैक कलर का होता है, कलेजी के टाइप होता है, लेकिन ये कि इन्होंने मैंग्रोव वालों ने बड़े अच्छे तरीके से बनाया, साथ जो राइस है, साथ चीज़ें ऐड की ना इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त था माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। मतलब आप कहेंगे कि जैसे लोगों को पास से कबूतर भी तुम लोगों ने नहीं छोड़ा, उन लोगों के लिए आप कोई मैसेज अगर देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में इतनी इतनी हराम चीज़ें चल रही हैं, झूठ बोला जा रहा है, धोखे दिए जा रहे हैं,
एक हलाल चीज आप उसको प्रमोट नहीं कर रहे, हराम चीजों पे कोई कुछ बोल नहीं रहा, ये तो गलत बात है ना यार। अल्लाह ताला ने हलाल बनाया, कबूतर को हलाल बनाया, खरगोश को हलाल बनाया है, जिस तरह मुर्गी हलाल है, बकरी हलाल है, इस तरह ये भी हलाल है, तो इस पे कोई मसला नहीं होना चाहिए इस तरह। कबूतरों के बारे में क्या कहें भाई, अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो घर पे छत पे आते ना, ले पकड़े और खा ले, माशाल्लाह अच्छा टेस्ट है और खाना चाहिए। कोई नई नई चीजें जो है वो आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। हमें तो बाबर भाई के तवस्सुल से आजकल रोज एक नया प्लेटर, एक नया जायका खाने के लिए मिल रहा है। थैंक्स टू बाबर भाई और थैंक्स टू ऑल आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी फर्स्ट टाइम खाया। इसका टेस्ट कुछ कुछ जो है वो कलेजी जैसा था, मुर्गी जैसा बिल्कुल नहीं है जो हम लोग घरों में हमारे उम्र खाया जाता है, वैसा टेस्ट बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल हटके टेस्ट था और बाकी बहुत अच्छा था और बनाया बहुत अच्छा। दूसरी बात जो होती ना उसकी पकवाई, जैसे हम टेस्ट कहते हैं, अगर आप टेस्ट अच्छा नहीं बनाएंगे तो टेस्टलेस बनेगा, लाजमी सी बात है। उसका अपना जायका अपनी जगह, लेकिन जब तक इसमें, क्योंकि नई चीज़ है ना हमारे लिए, एक नया जायका है, जब तक उसके अंदर हम अपने लवाजमात नहीं डालेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता। फिर नहीं, बाकी बिल्कुल खाना चाहिए बिल्कुल। तो जनाब चलते हैं हम किचन में और देखते हैं कि कबूतर इस वक्त हमारे क्या कर रहे हैं। ये माशाल्लाह से ये मैंग्रोव्स का किचन है, ये देखें जनाब यहाँ बन रहे हैं खाने, इनके मज़ेदार मज़ेदार किस्म के तमाम स्टाफ जो है डिफरेंट आइटम बनाने में तैयार है। कोई कढ़ाई बना रहा है, कोई फास्ट फूड तैयार कर रहा है और कोई जनाब बना रहा है मज़ेदार किस्म के बर्गर। तो चलते हैं किचन में मज़ीद आगे और आपको दिखाते हैं कि हमारा कबूतर प्लेटर कहाँ तैयार हो गया है। ये देखिए जनाब यहाँ तरबीज चल रही है तैयारी लेटर की, और ये देखें, और जनाब ये देखें जनाब क्या बात है, और ये ढक्कन खुल गया, जबरदस्त भाई। ये कबूतर आपको काफी सारे नजर आ गए होंगे, तमाम कबूतर इसका स्टीम की है ना, नहीं उड़ेंगे नहीं अब, आप बेफिक्र रहिए। मक्खन डाला जा रहा है, मक्खन डाला जा रहा है, मक्खन तो जनाब सर्विंग स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले आए हैं बड़े ही मज़ेदार किस्म के कलरफुल से फ्रूट्स, और आप को मैं दिखाऊं, ये देखें जनाब, तो स्टार्ट होने वाला है प्लेटर और कुछ ही देर में हमारी प्लेट में आने वाला है, तो फिर हम आपको दिखाते हैं प्लेटर। और जब तक इंजॉय करते हैं हम फ्रेंच फ्राइज। भाजी आज आप फ्रेंच फ्राइज में क्या बात है, डाइटिंग भी आ गई आप, कौन सी डाइट है, पोटैटो डाइट पे, क्या बात है, हंस रहा है बच्चा, देखो साइड में आके करके। तो जनाब ये आ गए हैं कबूतर और ये आ गए राइस, माशाल्लाह चेक करें जनाब, हाँ भाई आप फेमस हो गए हैं आज, आप बताएं क्या कह रहा है कबूतर।
उड़ रहा है क्या वापस? मैं उड़ी उड़ी जा रहा हवा दे ना है ना। ये देखें जनाब, तमाम लोग डिनर एंजॉय कर रहे हैं और ये हमारी प्लेट आ गई, हम ही खाना खाते हैं। और जनाब मैं अपने मिशन में कंप्लीट कामयाब हो चुकी हूँ, मिशन सक्सेसफुल रहा हमारा। फ्रूट्स आ गए, राइस आ गए और यहाँ हमारा बड़ा ही प्यारा सा कबूतर, आप देखें, चेक करें जरा ये बेचारा कबूतर इस वक्त ये है, कबूतर चेक करें, ठीक है। तो ये तो खैर मैंने नहीं खाना, कभी नहीं खाया कभी, और लेकिन मैंने इंजॉय करने राइस, और मैं थोड़ा सा इसको राइस को ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत मज़ेदार है। मतलब डिफरेंट स्टाइल में बना हुआ है, कबूतर को तो मैंने टेस्ट नहीं किया लेकिन राइस बड़े प्यारे, बहुत मज़ेदार बने, स्पाइसी नहीं है और वो नहीं है कि बिल्कुल फीके नहीं है, मतलब नॉर्मल बने। और उसके साथ हम इंजॉय करेंगे फ्रूट, और फ्रूट के साथ अगर हमें मिल जाए चटनी वाली, ये हमने पड़ोस से मंगवा ली चटनी। आज सारा काम जो है ना पड़ोसियों से लिया, किसी से फ्रूट उधार लिए हैं, किसी से चटनी। तो ये सॉस भी थोड़ा सा डालते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा मीठा ना हो, पहले इसको ट्राई करते हैं, ठीक है जी। और केचप के साथ है सॉस है ये, अच्छा हुआ मैंने बहुत थोड़ा डाला, ये केचप है। हम खाना इंजॉय करते हैं, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो जो आप देखें किस तरह से ये जो है कबूतर का प्लेटर इस पर अपने इख्तितामी मरहले पे पहुंचने वाला है। तो यहाँ सब जो है खाने से इंजॉय कर रहे हैं, ये देखें सब जो है बिजी हैं सब डिनर में। तो जनाब कबूतर का प्लेटर अपने इख्तितामी मरहले में पहुंच चुका है, बहुत मज़ेदार था, जैसे कि लोगों ने अपना रिव्यू दिया। मैंने चूँकि नहीं ट्राई किया और कभी नहीं खाया और कभी जो है ट्राई करने की भी कोशिश नहीं की, तो आज भी नहीं खाया, लेकिन राइस बहुत अच्छे थे, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, एम्बियंस बहुत अच्छा है रेस्टोरेंट में। आप देखें मेरे इर्द गिर्द बहुत मज़ेदार, हल्का हल्का सा म्यूज़िक भी चल रहा है और जो है बहुत मज़ेदार है। मतलब ये कि आप अगर वैसे भी अगर रेस्टोरेंट आना चाहें यहाँ पे रेस्टोरेंट में, तो आप लोग लाते हैं विजिट कर। तो इसके साथ ही अपनी इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। डू लाइक शेयर करो सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह। और आप लोग बोल रहे होंगे कि नीचे में आज हम लोगों ने रखा है यहाँ पर केक, और केक आने की वजह है ये बच्चा जिसकी आज बर्थडे है। और मतलब दो चीजें हैं, एक इसका 91% भी है अपने जहन में, फाइनल किया है मतलब और माशाल्लाह जब हम लोग साथ होते हैं तो एक महफिल जम जाती है। अल्लाह ताला इस महफिलों को और डॉन को कायम रखे। और मोदी भाई आपका फिर से बहुत शुक्रिया इस केक के लिए, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आगे हम इस तरह की चीज़ें जो है वो करते रहेंगे। अभी ये देखें जनाब, केक है बर्थडे का और रोहित की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। हम कैंडल हटा लेते हैं, कैंडल जल गई है और अब हम जो है बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो सब मिलके जो है इनको विश करेंगे जी, 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे ये तेरी नानी, अबे नीचे कुछ सकते भाई।